और बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश में सर्च अभियान लगातार जारी है, लेकिन भेड़िए का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में बीती रात भी भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया, जिससे अभी दर्जनों गांव खौफ के साए में है। एक रिपोर्ट। एक तरफ पूरा वन विभाग समेत पूरा प्रशासनिक अमला आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िया वन विभाग की टीम को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है। इतना ही नहीं, कड़ी पहरेदारी के बावजूद भी भेड़िया अपनी मान से निकलकर हमला करने आ रहा है। बीती रात फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला, जहां उसने खूनी खेल खेला। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। पहली घटना लगभग रात 11:40 की है, जहां सिगीहा नशीरपुर गांव में 30 साल की महिला पर हमला हुआ। भेड़िए ने गुड़िया नाम की महिला पर अटैक किया। ये आप घर में दिखाइए कि किस तरह से ये घर है गुड़िया का, 28 वर्षीय उनकी उम्र है, और यहीं पर देखिए बाहर खाना पकता है और कोई दरवाजा नहीं है, किवाड़ घर में है ही नहीं, तो किवाड़ का ना होने का फायदा भी ये भेड़िया उठा रहा है। अगर इन घरों में किवाड़ लग जाए, दरवाजे लग जाए, तो शायद भेड़िए की जो मुसीबत है वो थोड़ी कम हो जाए और इन ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद सम्मनपुरवा गांव में भी भेड़िए ने कहर बरपाया। रात करीब 1:30 भेड़िया फिर हरकत में आया और 40 साल की महिला पर हमला हुआ। आदमखोर भेड़िया यहीं पर नहीं रुका, नरकोटवा गांव में सुबह करीब 4 भेड़िया फिर एक्टिव हुआ और 6 के बच्चे पर हमला किया। ये सभी गांव एक दूसरे के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे, लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे, तब सब कोई दौड़े। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता है। सम्मनपुरवा गांव में जिस महिला पर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि महिला के साथ उसकी बेटी सो रही थी, भेड़िया उस पर हमला करने आया था। महिला ने अपने बच्चे को किसी तरह उससे बचा लिया, लेकिन भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धार धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीग गया। अच्छा। थोड़ा खून नहीं, लड़किया के जो 1 भरे के गोद में लड़की है उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। मंगलवार की रात भी भेड़िए ने महसी तहसील के खैरी घाट थाना क्षेत्र के रायपुर कोरियन टपरा गाँव में 50 की महिला पर हमला किया, जब वो घर के बरामदे में सो रही थी। छठे भेड़िए की तलाश तो तेज कर दी गई है, लेकिन उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अभी तक भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भेड़िए के हमले से घायलों को 5,400 की आर्थिक मदद भी मिली है। ई पेमेंट से घर वालों के परिजनों के खाते में रकम भेजी गई है। भेड़िए के हमले में घायल 10 लोगों को 54,000 की मदद की गई है। बहराइच के वन विभाग ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिससे महसी तहसील के दर्जनों गांव दहशत में हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िया हमलावर हो गया, यहां 9 बकरियों के मारे जाने की खबर है। थानगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी गांव की यह घटना है, जिससे लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब हम आपको एक ऐसे मंदिर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां लोग बस इस बात का इंतजार करते रहे कि कितने नोटों की गड्डियों से एक पिता अपने बेटे को तौलेगा। अभी देखिए मंदिर में यह अनोखा तुलादान। अनोखी मन्नत को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। ना तो लड्डू से इस युवक को तोला जा रहा है, ना ही अनाज से तराजू के पलड़े बराबर हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तो नजारा ही अजब है। मन्नत की भेंट गजब है। तराजू के एक पलड़े पर बेटा और दूसरे पलड़े पर नोटों की गड्डी। खास बात ये भी है कि जितना वजन बेटे का, उतनी ही नोटों की गड्डी तराजू के दूसरे पलड़े पर रखी गयी। पूरा माजरा आपको बताते हैं। आखिर ये मन्नत कौन सी थी?
दरअसल उज्जैन के बड़नगर के मंगलनाथ पद के रहने वाले चतुर्भुज जाट ने 4 साल पहले एक मन्नत मांगी थी, जो बस मन्नत पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। मन्नत पूरी होने पर बेटे का वजन के बराबर मंदिर के निर्माण के लिए उतने ही रुपए दान देने का फैसला किया। चतुर्भुज जाट की जब मन्नत पूरी हुई तो तेजा दशमी के मौके पर बेटे वीरेंद्र को तराजू पर बिठाया। बेटे का वजन 42 किलो था। इतने ही वजन के बराबर नोटों से तुला दान किया। मंदिर परिसर में नोटों का ढेर देख लोग भी हैरान थे। इस तस्वीर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर वजन के बराबर कितने रुपए होंगे। 10-10 रुपए की नोटों की गड्डी रखी गई। 42 किलो के वजन के बराबर नोटों को तौला गया। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर कितने रुपए दान होते हैं, और वजन बराबर दान हुआ 10,07,000 रुपए। यह अनोखा दान तेजाजी महाराज मंदिर में दान किया गया। हर कोई इस अनोखे दान को देखकर हैरान था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये है अनोखी आस्था। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।